न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऐलान का पूरा लाभ किसानों को मिले इसके लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही हैं। पुरानी जो कमियां हैं उसको दूर करना है, फुल प्रूफ व्यवस्था को विकसित करना है। भाई और बहनों, किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार ने चार अलग अलग स्तरों पर फोकस किया। पहला, ऐसे कौन कौन से कदम उठाए जाएं जिनसे खेती पर होने वाला उनका खर्च कम हो। दूसरा, ऐसे कौन से कदम उठाए जाएं जिससे उन्हें अपनी पैदावार की उचित कीमत मिले। तीसरा, खेत से लेकर बाजार तक पहुंचने के बीच फसलों, फलों, सब्जियों की जो बर्बादी होती है उसे कैसे रोका जाए। और चौथा, ऐसा क्या कुछ हो जिससे किसानों की अतिरिक्त आय हम व्यवस्था कर सकें। हमारी सरकार ने सारे नीतिगत फैसले, सारे तकनीकी फैसले, सारे कानूनी फैसले इन्हीं चार स्तरों पर आधारित रखे। ज्यादा से ज्यादा तकनीक को अपने फैसलों से जोड़ा और इसी का परिणाम है कि सकारात्मक नतीजे मिलने लगे हैं। दो दो तीन तीन दशकों से अटकी हुई देश की 99 सिंचाई परियोजनाओं को तय समय में पूरा कर लिया जाए, इसके लिए 80,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया। ये सरकार के निरंतर प्रयास का ही असर है कि इस साल के अंत तक लगभग 50 योजनाएं पूरी हो जाएगी और बाकी अगले साल तक पूरा करने का लक्ष्य है। मतलब जो काम 25-30 साल से अटका हुआ था वो हम 25-30 महीने में पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। पूरी होती हर सिंचाई परियोजना देश के किसी न किसी हिस्से में किसान का खेती पर होने वाला खर्च कम कर रही है, पानी को लेकर उसकी चिंता कम कर रही है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत अब तक 20 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन को भी माइक्रो इरिगेशन के दायरे में लाया जा चुका है। लेकिन साथियों, सॉयल हेल्थ कार्ड का पूरा फायदा तभी मिल पाएगा जब हर किसान इस कार्ड से मिलने वाले लाभ को समझकर उसके हिसाब से अपनी खेती करे। ये तब संभव है जब इसका पूरा एक इकोसिस्टम डेवलप हो जाए। मैं चाहूंगा कि सॉयल हेल्थ टेस्टिंग और उसके नतीजों के आधार पर किसान को फसल और पैकेज ऑफ प्रैक्टिस की सलाह के मॉड्यूल को हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में बीएससी एग्रीकल्चर के कोर्स में जोड़ा जाए। इस मॉड्यूल को स्किल डेवलपमेंट से भी जोड़ा जा सकता है। जो छात्र ये कोर्स पास करेंगे उन्हें एक विशेष सर्टिफिकेट देने पर भी विचार किया जा सकता है। इस सर्टिफिकेट के आधार पर छात्र अपनी सॉयल हेल्थ टेस्टिंग लैब गांव के अंदर खोल सकता है, उन्हें मुद्रा योजना के तहत लोन मिल सके, इस तरह की व्यवस्था के बारे में भी सोचा जाना चाहिए। भविष्य में जब सारी लैब्स सेंट्रल डेटाबेस से कनेक्ट होगी, सॉयल हेल्थ के आंकड़े सेंट्रल पोर्टल पर उपलब्ध होंगे, तो वैज्ञानिकों और किसान दोनों को बहुत आसानी होगी। साथियों, रूरल रिटेल मार्केट्स या गांव की स्थानीय मंडियों का होलसेल मार्केट यानी एपीएमसी और फिर ग्लोबल मार्केट तक इंटीग्रेशन किया जाना ये बहुत ही आवश्यक है। इस बजट में ग्रामीण रिटेल एग्रीकल्चर मार्केट यानी ग्राम की अवधारणा इसी का परिणाम है। इसके तहत देश के 22,000 ग्रामीण हाटों को जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अपग्रेड किया जाएगा और फिर उन्हें एपीएमसी और इनेम प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेटेड कर दिया जाएगा। यानी एक तरह से अपने खेत के 5-10-15 किलोमीटर के दायरे में किसान के पास ऐसी व्यवस्था होगी जो उसे देश के किसी भी मार्केट से कनेक्ट कर सकेगी।